दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी जा रहा हूँ डाली मोनेस्ट्री। डाली मोनेस्ट्री मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ कुमारदीप दा जाएंगे। तो कुमारदीप दा के लिए वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही आते हैं उनके साथ चलूँगा। तो डाली मोनेस्ट्री यहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पे है। डाली मोनेस्ट्री जाने के लिए आपको शेयर गाड़ी मिल जाएगी। शेयर गाड़ी है दार्जिलिंग स्टेशन के सामने से आपको मिलती है, या चौक बाजार से भी आप ले सकते हैं। पिछली बार मैं जब 2021 में आया था तब बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट बंद थी, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैनेज हुआ था, मेरे होटल में ही जो गेस्ट थे उन लोगों के साथ शेयरिंग में मैं घुमा था। रॉक गार्डन, पीस पगोडा, ऑरेंज वैली टी गार्डन, ये सब जगह पे गया था, लेकिन कुछ कुछ जगह थी छूट गई थी, तो डाली मोनेस्ट्री में गया नहीं था। तो कुमारदीप दा आ रहे हैं। चले जी, आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना? हाँ, इट इज फर्स्ट टाइम फॉर विजिट डाली मोनेस्ट्री। चलिए, वी कैन मूव फॉर टू डाली मोनेस्ट्री टुडे। यस, तो हम दोनों का फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। और हम लोग कहाँ जाएंगे, बताशिए लोग थे ना? डाली मोनेस्ट्री की बात, हम लोग डिसाइड करके कहाँ जाएंगे। हाँ, जैसे नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग को कुछ प्लानिंग चेंजेस हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। बारिश की वजह से ही, यही बारिश ने ही प्रॉब्लम किया, वरना सुबह वेदर काफ़ी अच्छा था। सुबह तो 2 घंटे मैं अपने होम स्टे के रूफ टॉप पर ही था, पता नहीं कैसे 2-2.5 घंटे वहीं पे बैठे बैठे बीत गए। अभी का वेदर दिखाता हूँ। वीकेंड की छुट्टी और 15 अगस्त की छुट्टी, इस टाइम पे दार्जिलिंग में ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे टूरिस्ट अभी आए हैं ये 15 अगस्त की छुट्टी में, इसीलिए एकदम चारों तरफ ट्रैफिक जैम है, टूरिस्ट क्राउड भी अभी ज़्यादा है। जा रहा हूँ अभी डाली मोनेस्ट्री की ओर। पहुंच गए डाली मोनेस्ट्री। डाली मोनेस्ट्री एंट्रेंस फीस है 20 रुपए, 20 रुपीज। जा रहा हूं अब ऊपर। यह है डाली मोनेस्ट्री, देखता हूँ अंदर। अंदर बुद्धा भगवान की मूर्ति है। डाली मोनेस्ट्री दार्जिलिंग से करीब 4 किलोमीटर दूर डाली नामक स्थान पर स्थित है। डाली मोनेस्ट्री का दूसरा नाम है ड्रुक संगंग चोलिंग मोनेस्ट्री। इसका निर्माण 1971 में क्याब्जे थुक्से रिम्पोचे के समय हुआ था। वो अपने समय एक प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक माने जाते थे। ये मोनेस्ट्री करग्युपा संप्रदाय से संबंधित है। यह मोनेस्ट्री द्रुकचेन रिम्पोचे द 12th के मुख्यालय और निवास के रूप में भी कार्य करता है, जो करग्युपा संप्रदाय के सर्वोच्च नेता हैं।
ये मोनेस्ट्री निवासी भिक्षुओं के लिए सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और करीब 210 तिब्बती बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते हैं। डालीगोम्पा में महामहिम दलाई लामा ने 1993 में कुछ दिन यहाँ पे बिताए थे और गोम्पा में तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा दिया था। डाली मोनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ आप देखेंगे तारामा, वज्रगुरु, रिम्बुचे और गुरुदेव की मूर्ति देखेंगे। डाली मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, इसीलिए डाली मोनेस्ट्री पहुंचने का सबसे अच्छा टाइम है दोपहर के 3 बजे, उस टाइम पे वहाँ पे प्रेयर होती है। करीब वहाँ पे 1.5 घंटा जैसा रहा तो अंदर अभी भी प्रेयर चल रही है, तो आप जब भी दार्जिलिंग आए ना डाली मोनेस्ट्री आप ज़रूर आइए। डाली मोनेस्ट्री आने का सबसे अच्छा टाइम है दोपहर के 3 बजे, 3 बजे से पहले आप मोनेस्ट्री के अंदर आप चले जाएं। 3 बजे के बाद से ही प्रेयर स्टार्ट होती है, पूजा आरती सब जैसे जैसे आम कोई एक हिंदू टेम्पल में होती है ना कि वैसा ही है, अंदर प्रेयर चल रही है, बहुत अच्छा है। अंदर मोनेस्ट्री के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स आप देखेंगे। और ये मंदिर के अंदर की जो आर्किटेक्चर है ना, ये है एकदम पूरे टिबेटियन स्टाइल में, टिबेटियन और भूटानी स्टाइल में है, तो ये एक देखने का है। और अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, दीवारों पे भी लिखा हुआ है, लेकिन वो सब टिबेटियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। अब निकलता हूँ, डाली मोनेस्ट्री घूमना हो गया।